Hello and welcome back students. Today we will start chapter number 5, Anita and the Honey Bees. Students, ये जो आपको मैप दिख रहा है वो है हमारा भारत, हमारा इंडिया. इसमें जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है वो है बिहार. इस चैप्टर में हम बिहार में जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक विलेज है बोचाहा, उसमें रहने वाली अनीता कुशवाहा की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नंबर 5 जिसका नाम अनीता एंड हनी बीज है. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम. माय नेम इज अनीता कुशवाहा. स्टूडेंट्स, यहाँ पे गर्ल है जिसका नाम है अनीता कुशवाहा. आई लिव इन बोचाहा विलेज. दिस विलेज इज एट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बिहार का मैप दिखाया है. ठीक है, इंडिया में बिहार कहाँ पे लोकेटेड है वो मैंने आपको बताया. ओके, आई स्टे विथ माय पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर्स. वो अपने पेरेंट्स और दो छोटे भाइयों के साथ रहती है. आई स्टडी इन कॉलेज. बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. वो कॉलेज में तो पढ़ती है लेकिन उसके साथ साथ में वो अपनी स्टडी के साथ भी जो यंग चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ट्यूशंस भी पढ़ाती है एंड उनके पास उसकी हनी बीज भी हैं. ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सारी चीज़ें अनीता के लिए बिल्कुल ईजी नहीं थी. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. जब वो यंग थी अनीता, तब उसका पूरा टाइम है वो काउ को एंड गोट के ग्रेजिंग में ही टाइम पूरा स्पेंड हो जाता था. ठीक है, I always want to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. अनीता है वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी लेकिन उसके जो पेरेंट्स है उसको लड़कियां पढ़े ये आइडिया उन्हें अच्छा नहीं लगता था. ठीक है, तो वो अनीता को स्कूल भेजते ही नहीं थे. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. अनीता कुशवाहा इज एन आइडियल फॉर द गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल. अ ड्रीम ऑफ स्कूल. One day I reached the school and silently sat down behind the children. Students, एक बार अनीता है वो स्कूल की खिड़कियों में से झांक रही थी और वो चुपचाप जाके बच्चे जो बैठे थे पढ़ रहे थे उनके पीछे जाके वो silently बैठ जाती है. I felt so happy. और उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही वो खुश हुई. When I came back home and collected courage to talk to my parents about school. जब वो घर आई वापस और उसने स्कूल में बैठे बैठी थी वो बहुत खुश हो गई. ये सारी बातें वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को बता रही थी. But they clearly told me not to go to school. I cried a lot. फिर उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत डांटा एंड क्लियरली बोल दिया कि स्कूल नहीं जाना है. I cried a lot. ये सुन के अनीता बहुत ही रोने लगी. ठीक है, फिर क्या हुआ. वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज केम टू नो अबाउट दिस एंड ही एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन. फिर एक टीचर थी वो उसके घर आई जो उसके विलेज में ही रहती थी और पढ़ाती थी, तो अनीता के घर जाती है और उनके पेरेंट्स को एजुकेशन के बारे में समझाती है. ठीक है, द टीचर ऑल्सो टोल्ड दैम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. तो स्टूडेंट्स, ये आरटी आता है जिसमें राइट टू एजुकेशन में बच्चों को स्टैंडर्ड 1 to 8 तक जो एजुकेशन है वो फ्री में दिया जाता है. ठीक है, और ये कंपलसरी एजुकेशन है. तो 1 to 8 स्टैंडर्ड तक तो बच्चों को कंपलसरी पढ़ाना है और उसमें कोई भी स्कूल फीस नहीं देनी है. ये एक गवर्नमेंट स्कीम है. ठीक है, द टीचर सेड दैट इट इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. ये तो हर बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल में जाए एंड पढ़ाई करे. माई पेरेंट्स अग्रीड एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल.
आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट बट आई ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस। जो अनिता थी वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी कि हर वक्त क्लास में टॉप ही रहे, अच्छे मार्क्स आए, ऐसा भी नहीं था। बट कुछ भी डाउट होता था, समझ में नहीं आता था, उन सब जगह पे अनिता ऑलवेज क्वेश्चंस पूछती ही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे डाउट है, तो आप भी अपनी टीचर से प्रॉब्लम जो है वो शेयर कीजिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए। लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन वन ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ये जो एजुकेशन का, चाइल्ड का जो एजुकेशन है उसके लिए स्कूल की फीस नहीं रहती है। ठीक है, वो स्कूल की फीस पे नहीं करनी होती है, वहाँ पे फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो खुद करने होते हैं, लाइक ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल आना और जाना। ठीक है, तो उसके लिए भी तो पैसे लगते ही है ना। अगर स्कूल थोड़ा दूर है तो हमें बाय बस या फिर बाय रिक्शा, ऑटो रिक्शा जाना होता है, तो उसका अप्रोक्स हम रखें 750 रुपीज़। ठीक है, अप्रोक्स कितना खर्चा होगा उसका, 750 रुपीज़ ये लगता है। फिर नोटबुक्स भी खुद ही परचेस करनी होती, तो पूरे साल के लिए अप्रोक्स 1000 रुपीज़ नोटबुक का एक्सपेंस हो जाता है। एंड जो पेन एंड पेंसिल्स हैं वो भी हमको अप्रोक्स 500 तक चाहिए होते हैं। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म भी परचेज करना होता है, तो स्कूल यूनिफॉर्म अप्रोक्स 1000 रुपीज़ हम रखें। ठीक है, एंड स्कूल बैग 300 अप्रोक्स स्कूल बैग, एंड लंच बॉक्स जो है वो 100 रुपीज़ का लंच बॉक्स आता है। स्टूडेंट्स लंच बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है, लंच की बात नहीं हो रही, तो लंच बॉक्स है वो भी अप्रोक्स 100 रुपीज़ का आएगा। शूज एंड फुटवेयर जो है वो भी अप्रोक्स 450 to 500 रुपीज़ तक मिलते हैं। अदर थिंग्स में आपको एक वाटर बॉटल चाहिए होती है एंड कंपास बॉक्स चाहिए होता है, तो वाटर बॉटल एंड कंपास बॉक्स ये दोनों हम 150 रुपीज़ अप्रोक्स रखते हैं। तो फिर भी ओवरऑल जो खर्चा है वो 400 रुपीज़ तो रहता ही है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी स्कूल फीस या ट्यूशन फीस कुछ भी मेंशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, लाइक स्कूल आना जाना, नोटबुक्स, पेन पेंसिल्स, यूनिफॉर्म है, वो सारी चीज़ों का एक्सपेंस है, तो वो भी अप्रोक्स 4000 रुपीज़ तो हो ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको। एंड अगर हम प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल की तो फीस भी होती है, गवर्नमेंट स्कूल में फीस नहीं रहते हैं, तो अगर वही चीज़ हमारे इसमें ऐड कर दें तो ये एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। स्टडी इज कंटिन्यूड आई पास्ड क्लास 5th। अब ये जो पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो दिख रही है ये अनीता है। आई पास्ड क्लास 5th, तो अनीता कह रही है कि उसने 5th क्लास तक पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ। अभी जैसे वो क्लास हायर होगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी, खर्चा भी स्टडी के लिए ज़्यादा होगा। माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर माई एजुकेशन, उसके पेरेंट्स रेडी नहीं थे एजुकेशन के लिए। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी, बट अनीता स्टडी करना चाहती थी। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, तो अनीता ने क्या किया, जो यंगर चिल्ड्रन थे उससे जो छोटे बच्चे थे उनको उन्होंने ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यूस्ड माई स्टडी, और जो ट्यूशंस की फीस मिलती थी उसमें से उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। लेट अस टॉक एवरी चाइल्ड हैज राइट टू स्टडी, एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज फ्री, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस। स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनको स्टडी करना तो उनका अधिकार है, बच्चों को पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, वो गवर्नमेंट ने भी उनको ये राइट दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड 8 तक फ्री एजुकेशन मिलता है। ठीक है,
Slowly, I started talking to other parents in my village about sending their daughters to school. फिर धीरे धीरे अनीता ने अपने विलेज में जो दूसरी गर्ल्स थी उनके पेरेंट्स को उन्हें समझाया, कहा अनीता ने कि वो भी अपनी बेटियों को स्कूल में भेजे. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क. लेकिन अनीता के पेरेंट्स ने भी उसको इस चीज़ में हेल्प की. ठीक है. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. अनीता की जो मदर है वो पूरा घर का काम कर लेती थी, ठीक है, ताकि अनीता को पढ़ने में ज़्यादा टाइम मिल सके, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए.